Welcome back to my channel, guys. This video, I want to see the 28 on destroyed in Zenkis, where the plane lands too fast, the truck fails to jump, the big swing at the Tampa, Florida bridge. Then my car just wrecked in during the race, and there's an avalanche during the hurricanes in the mountain. And the truck hits the bridge and goes down and hits the traffic lights. Let's see what happens, and I get shot before space and time for several times. You'll see. बिना किसी चेतावनी के जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है. इंसान की कोशिशें उल्टी पड़ जाती है. पलों में सब कुछ बदल जाता है. सब कुछ अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ भयंकर दुर्घटनाओं के दृश्य. एक स्नोमोबाइल से शुरू हुआ एक ऐसा हिमस्खलन जिससे गाड़ी पहाड़ से लगभग 300 मीटर नीचे लुढ़क जाती है, और एक ब्रिटिश विमान प्रदर्शनी जहाँ एक 24 टन का मालवाहक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. ये जबरदस्त दृश्य आप सिर्फ इसी कार्यक्रम में देख सकते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स. अर्जेंटीना के बुएनोस आरेस शहर के बीचों बीच एक सड़क पर अनगिनत नींबू बिखरे पड़े हैं. आसपास के लोग नींबू बटोरने के लिए टूट पड़ते हैं. पुलिस स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ये अजीबो गरीब उथल पुथल हुई कैसे? दरअसल इस हाईवे पर ये ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से ट्रक ले जा रहा था. एकाएक ट्रक बेकाबू हो गया और सीधा कंक्रीट की सुरक्षा दीवार से जा टकराया. ट्रक में 20 टन नींबू लदे हुए थे जो कि सीधे 15 मीटर नीचे जमीन पर जाकर गिरे. कुछ राहगीर ठीक उनके नीचे आने से बाल बाल बचे. ड्राइवर न सिर्फ निर्धारित रफ्तार से कहीं तेज ट्रक दौड़ा रहा है, कंटेनर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है और सारा माल भी ठीक से बंधा नहीं है. दीवार से टकराते ही कंटेनर का दरवाजा झटके से खुल जाता है और सारा का सारा माल नीचे जा गिरता है. नीचे की सड़क पर सिग्नल लाल है, इस वजह से कोई भी कार गिरते हुए माल की चपेट में नहीं आती, पर राहगीरों में भगदड़ मच जाती है. एक तो कार के नीचे आते आते बचता है. सिर्फ 2 हफ्तों में हाईवे पर होने वाली ये तीसरी दुर्घटना है. हालांकि तीनों दुर्घटनाओं के लिए ड्राइवर दोषी पाए जाते हैं, फिर भी अगली सूचना जारी होने तक हाईवे बंद कर दिया जाता है. नवंबर 2008, दक्षिण ब्राजील के सेंटा कैटरीना राज्य में 35 इंच वर्षा हुई है. पानी से पूरी तरह दर हो जाती है. नतीजा कई जगह भूस्खलन. 400 से अधिक भूस्खलन होने की खबर आती है. लूमा कस्बे में एक ऊंचे टावर में रहने वाले कुछ लोग एक भूस्खलन को वीडियो कैमरे में कैद करते हैं. हमन यूजर स्ट्रीट के ऊपर की पहाड़ी की मिट्टी हर गुजरते घंटे के साथ खिसक रही है. पहाड़ी के ऊपर बनी कुछ इमारतों की नींव पहले से ही पोली हो चुकी है.
लगातार हो रही है और कई घर ढहने के कगार पर हैं। जमीन आखिरकार ढह जाती है। वो घर पहाड़ी पर खिसकता हुआ नीचे बने एक दूसरे घर के पिछले हिस्से से जा टकराता है और उसे उसकी नींव से उखाड़ देता है। जब पहला घर नीचे खिसकना शुरू होता है तो टावर के कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं वो उनकी बिल्डिंग से ना टकरा जाए। खिसकती मिट्टी का ढेर टावर के नजदीक तक आ पहुंचता है। टावर बच जाता है मगर जमीन खिसकना बंद नहीं करती। पहले भूस्खलन से कुछ ही दूर एक और घर एक दूसरे भूस्खलन का शिकार होने वाला है। मूसलाधार बारिश से सैंटा कैटरीना के बाकी इलाके में जबरदस्त तबाही होती है। 128 लोगों की जान जाती है। ये ब्राजील के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कुदरती हादसा है। जहां तक हर्मन ह्यूजर स्ट्रीट में तबाह होने वाले 3 घरों का सवाल है तो उसमें रहने वाले लोगों को भूस्खलन से पहले ही सुरक्षित जगहों पर भिजवा दिया गया था। खेलों के शौकीन लोगों की एक टोली एक स्थानीय होटल में जमा होती है। 1, 2, 3 धक्का मार। इन्होंने चीजें जोड़ जाड़ कर 5 लोगों के लिए एक झूला बनाया है। ये झूला मैंने बनाया है। ये लोग इस झूले को लगभग 50 मीटर ऊंचे सनशाइन स्काईवे ब्रिज पर आजमाना चाहते हैं। ये झूला तार, रस्सी, प्लास्टिक की ट्यूबों, मजबूत टेप और कुछ इधर उधर की चीजों से बनाया गया है। वो सब लोग होटल की पार्किंग की जगह पर जाकर अपना झूला तैयार करते हैं और एक लंबे स्टील के रस्से से उसे जोड़ देते हैं। मुझे दूसरा रस्सा इस्तेमाल करना चाहिए था, पर दूसरा रस्सा इस्तेमाल करके मरना थोड़ा ही है। छलांग लगाने के लिए तैयार वो जल्दी से पुल पर जाते हैं। इससे पहले कि सुरक्षा अधिकारी उन्हें रोक पाए वो कूदने के लिए तय जगह की ओर लपकते हैं। 2, 3 कूदो। के नीचे एक ही बार झूल पाते हैं कि गुरुत्व बल के खिंचाव की वजह से उनका झूला टूट जाता है। पूरी टोली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खाड़ी में गिरती है और लगभग 18 मीटर गहरे पानी में डूब जाती है। नजदीक की एक मोटर बोट में मौजूद उनके दोस्त उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरे को थामे टोली के सदस्य मदद के लिए चिल्लाते हैं, वहीं रहो, आ रहे हैं, हम सबको चोट आई है। तभी वहाँ एक और बोट आ पहुँचती है। एक एक करके उन्हें पानी से निकाल लिया जाता है। शाबाश डग, शाबाश। उन सब की गंभीर चोटों को देखते हुए बोटें तट की ओर लपकती हैं। 5 में से 4 छलांग लगाने वालों को चोट आई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। 1 की गर्दन टूट गई है, दूसरे की कॉलर बोन। 4 को एक नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। जल्दी ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। लापरवाही, घुसपैठ और बेवजह अपनी जान खतरे में डालने के लिए उन्हें सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ताजा गिरी बर्फ में स्नोमोबाइल चलाने का मजा ही कुछ और है। मजा आ गया। आज ट्रेनिस बेर और उनके दोस्त बोर्ड लगा रहे हैं कि मोंटाना की लायंस हेड पर्वत चोटी के सबसे नजदीक कौन पहुंच सकता है। ताजा बर्फ पर वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिस पूरी रफ्तार से चोटी की ओर बढ़ते हैं, पर ताजा बर्फ अभी पोली है जिससे हिमस्खलन हो सकता है। अपनी लगभग 225 किलोग्राम की स्नोमोबाइल की थरथराहट से वो मुसीबत को दावत दे रहे हैं। ट्रेनिस के नीचे की बर्फ खिसकने लगती है। वो गाड़ी दौड़ा देते हैं और पल भर में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से उसे भगाते हैं।
बर्फ से आगे निकलकर उसके नीचे दबने से बच जाते हैं, पर साल भर बाद उनकी बर्फ से फिर होड़ होगी। एक तूफान के बाद ऊंची ताजा बर्फ की चादर पर गाड़ी दौड़ाने के लिए ट्रेनिस और उनके दोस्त लायंस हेड चोटी पर वापस आए हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर चालक के पास एक लोकेटर बीकन यानी संकेत सूचक होता है, जिसे हिमस्खलन आने की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्फ के नीचे दबे होने पर वो उपकरण संकेत भेजता है जिससे दबे व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है, पर आज ट्रेनिस अपना उपकरण अपने कोट में ही भूल गए हैं। अरे बाप रे, ट्रेनिस! ट्रेनिस अपनी 230 हॉर्स पावर की स्नोमोबाइल लगभग 3000 मीटर ऊंची चोटी तक चढ़ाते हैं, और ठीक उसी जगह जहां पिछले साल ट्रेनिस के साथ दुर्घटना हुई थी, ट्रेनिस के नीचे मौजूद बर्फ धसक जाती है। बाप रे, भागो, तेज भागो! देखो जेफरी, देख रहा हूं, और तेज! ट्रेनिस बर्फ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हट जाओ रास्ते से! उनके रास्ते में एक उभार आ जाता है। अपनी स्नोमोबाइल समेत वो हवा में उछल जाते हैं। वो हवा में 6 मीटर दूर तक उछल जाते हैं। ट्रेनिस अपनी गाड़ी से गिर पड़ते हैं और ढलान पर लुढ़कते हुए 300 मीटर नीचे तक पहुंच जाते हैं। बर्फ की धड़धड़ाती हुई दीवार उन्हें निकल जाती है और वो अपने दोस्तों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। जब हिमस्खलन दोस्तों की ओर बढ़ता है तो वो अपनी गाड़ियां दौड़ाकर बच निकलते हैं। स्थिति सामान्य होती है, ट्रेनिस के दोस्तों को उनकी स्नोमोबाइल का बर्फ में दबा आधा मलबा मिल जाता है, पर ट्रेनिस का कहीं कोई पता नहीं है। उनके लोकेटर बीकन के बिना इस बात का पता चलना बहुत ही मुश्किल है कि वो किस जगह दबे हुए हैं। मलबे से 6 मीटर की ऊंचाई पर लोगों को एक हाथ बर्फ से बाहर निकला नजर आता है। इससे पहले कि ट्रेनिस का दम घुट जाए, वो लोग जल्दी जल्दी बर्फ खोदकर उन्हें बाहर निकालते हैं। ट्रेनिस का शरीर ठंडा है और वो बेसुध है, पर शुक्र है कि वो जिंदा है। अरे ट्रेनिस, मुस्कुराओ, तुम तो मुकद्दर के सिकंदर हो। सचमुच ट्रेनिस वाकई अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि दो बार हिमस्खलन से सामना होने के बावजूद उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। देखो जेफरी, देख रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में बैथ के बाहर आयोजित गेटरहैम के सीरीज नेशनल चैंपियनशिप शुरू से आखिर तक मुकाबला जबरदस्त है। गेटरहैम एक हल्की फुल्की कार है जो कि अपने बढ़िया प्रदर्शन और अच्छी पकड़ के लिए विख्यात है। इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम होता है और ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दौड़ सकती है, पर इसकी यही खूबियां रेस के मैदान में मुसीबत भी बन सकती है। के पास आयोजित गेटरहैम चैंपियनशिप रेस मुकाबला बहुत जबरदस्त है। लगभग 500 किलोग्राम की गेटरहैम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और कारें दौड़ चली हैं। कार नंबर 66 के चालक पॉल विटफर्ड कार नंबर 15 से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त दुर्घटना हो गई है, जोरदार टक्कर हुई है। विटफर्ड की कार 15 नंबर कार के पिछले बाएं टायर से टकराती है। टायर बाहर को निकला हुआ है क्योंकि उसका फेंडर गिर गया है। वो टायर एक घूमते हुए लॉन्चर का काम करता है जिससे विटफर्ड की कार हवा में उछल जाती है। एक और कार फिसल जाती है और चकनाचूर होने से बाल बाल बच जाती है। जब उसका चालक आगे जाने की कोशिश करता है, विटफर्ड की कार उछलकर लुढ़कती चली जाती है। सुरक्षा जंगले से थोड़ी दूर खड़े मैदान के कर्मचारी कार और उसके मलबे से टकराने से बचने के लिए सिर पर पैर रखकर भागते हैं। विटफर्ड की कार चारों पहियों के बल सीधी गिरती है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सारे ड्राइवर सुरक्षित हैं। गेटरहैम के सुरक्षा हार्नेस और रक्षा पिंजरे की बदौलत विटफर्ड की जान बच जाती है। उनकी टूटी फूटी कार हटा ली जाती है और वहाँ घूमते विटफर्ड अपने दोस्तों से इस दुर्घटना के बारे में बातचीत करते नजर आते हैं।
पुरानी और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की पांचवी वार्षिक छलांग चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में सबसे लंबी छलांग लगाने वाली गाड़ी विजयी घोषित होती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ये संशोधित गाड़ियां 30 मीटर से भी ज्यादा दूरी तक उछल सकती है। ट्रक हवा में उछल सके इसे ध्यान में रखते हुए मिट्टी का रैंप आगे से थोड़ा ऊंचा उठा दिया गया है। आज के दिन इस तरह की गाड़ियों के अनुभवी चालक चैड बोस्टन इस प्रतियोगिता में अपने 800 हॉर्स पावर के ट्रक से लंबी छलांग लगाने वाले हैं। छलांग लगाते ही ट्रक का अगला सिरा नीचे झुककर चला गया, जिससे ट्रक तीन कलाबाजियां खाने के बाद भग से चल उठा। अच्छी छलांग लगाने के लिए ड्राइवर के लिए समान रफ्तार बनाए रखना जरूरी है, पर रैंप पर पहुंचने से पहले चैड ने ट्रक की रफ्तार जरा कम कर दी, जिससे उसका अगला सिरा झुकता चला गया। आग फैलने लगती है, पर चैड को फौरन सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया जाता है। उन्हें सिर्फ मामूली खरोंच ही आती है। लपटे बुझाने के लिए एक पानी का ट्रक आ पहुंचता है। चैड अपना ट्रक लगभग 45 मीटर की दूरी तक उछाल कर रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे, पर उन्हें विजेता घोषित नहीं किया गया। इनाम जीतने के लिए आपको छलांग लगाने के बाद ट्रक आगे तक ड्राइव करके ले जाना पड़ता है, मगर प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आयोजक चैड को एक अलग अवार्ड देते हैं, स्टाइल अवार्ड। साल से भी ज्यादा समय से इंग्लैंड के फार्नबरो में विमानन के क्षेत्र में सबसे बड़े विमान प्रदर्शन शो का आयोजन होता आ रहा है। दुनिया भर के सैकड़ों विमान निर्माता यहाँ अपने नई तकनीकों से सुसज्जित अत्याधुनिक विमानों के कौशल का प्रदर्शन करने आते हैं। उनमें से एक है संशोधित सन 1980 का DHC-5 बफलो विमान। साजो सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये विमान बहुत छोटी हवाई पट्टी से टेक ऑफ और उस पर लैंड कर सकता है। छोटी हवाई पट्टी पर लैंड करने के लिए विमान को बड़ी तेज रफ्तार से एक सीध में नीचे उतरना पड़ता है, जो मुश्किल भी है और बेहद खतरनाक भी। हर साल दुनिया भर से सैकड़ों विमान इंग्लैंड के फार्नबरो में अपने नए नए डिजाइनों का प्रदर्शन करने आते हैं। टारमैक पर अगली बारी है संशोधित माल ढोने वाले DHC-5 बफलो विमान की। विमान चालन के क्षेत्र में इस विमान से सब बहुत प्रभावित है, क्योंकि ये बहुत छोटी हवाई पट्टी से उड़ और उस पर उतर सकता है, पर अपनी इसी खासियत की वजह से इसे बेहद सावधानी से उतरना पड़ता है। सीध में बहुत तेजी से नीचे उतर रहा है। वो जमीन से लगभग 200 मीटर ऊपर है, तभी एकाएक वो दाईं ओर झुक जाता है। पायलट विमान को संतुलित करने की कोशिश करता है, पर सामने से आती हवा के तेज झोंके से विमान भीड़ की तरफ मुड़ जाता है। पायलट लगभग 2,500 किलोग्राम के विमान को जल्दी से हवाई पट्टी पर गिरा देता है। जमीन से टकराने पर विमान का बायां पंख टूट जाता है, उसके इंजन से आग और धुआं निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में बचाव दल वहां आ पहुंचता है। पायलट और सह पायलट किसी तरह अपने आप को आजाद करके मलबे से बाहर निकालते हैं। उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ है। एक सुरक्षा कर्मचारी को विमान के पंखे से टूटकर पार्किंग में खड़ी एक कार से टकराने वाला उसका एक हिस्सा मिलता है। दर्शक खुशकिस्मत है, ये हिस्सा उनके बीच नहीं गिरा। चूंकि विमान ने सिर्फ प्रदर्शन के लिए छोटी सी उड़ान भरी थी, इसलिए उसमें ज्यादा ईंधन नहीं था। अगर उसकी टंकियां ईंधन से भरी हुई होती, तब नतीजा भले ही जानलेवा नहीं, पर भयंकर हो सकता था। अधिकारी
अधिकारी और हाईवे कर्मचारी एक ट्रक दुर्घटना का मुआयना कर रहे हैं। तभी उस दुर्घटना को कवर करने वाले एक समाचार चैनल के हेलीकॉप्टर के पायलट के हाथ एक और जबरदस्त खबर लगती है। बेकाबू बड़ा ट्रक इतनी जोर से सुरक्षा रेलिंग से टकराता है कि उसका पिछला एक्सल टूटकर 6 मीटर नीचे जा गिरता है। ट्रक समाचार चैनल की गाड़ी से जा टकराता है और उसमें आग लग जाती है। कुछ ही पल बाद सुरक्षा कर्मचारी हाईवे पर चलते हुए मलबे की ओर लपकते हैं। ड्राइवर अब भी अंदर फंसा है। थोड़ी ही देर बाद वो धुएं के गुबार से सही सलामत बाहर आता है। ट्रक में एक यात्री भी है। इस दुर्घटना के दौरान उसका दरवाजा खुल जाता है और वो ट्रक के बाहर आ जाता है। बचाव कर्मचारियों को वो घास के एक मैदान में बैठा मिलता है, पर उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। हाईवे को कई घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है और दमकल कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। रेत और नमक से साफ की गई सड़कों के बावजूद प्रशासन इस दुर्घटना के लिए बर्फीली परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। वायुसेना की विस्फोटक ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यूनिट को आतंकवादियों से जब्त गोला बारूद को नष्ट करने का काम सौंपा गया है। इस जखीरे में ज्यादातर देसी बम शामिल हैं, जिन्हें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या IED के नाम से जाना जाता है। सैनिक पूरी विस्फोटक सामग्री को एक रॉकेट लॉन्चर के होल के साथ लगभग 2.25 मीटर गहरे गड्ढे में गाड़ देते हैं। RDX नामक एक विस्फोटक को इस विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोला बारूद को उड़ाने के लिए एक रिमोट उपकरण का उपयोग किया जाता है। RDX से गोला बारूद निष्क्रिय कर दिया जाता है। पलाड के दक्षिण में टाशी में 710 ऑर्डिनेंस कंपनी एक रॉकेट लॉन्चर के होल में RDX विस्फोटक भर रही है। फिर RDX में तार लगाए जाते हैं ताकि रिमोट के जरिए उसमें दूर से धमाका किया जा सके। फायर इन द होल, फायर इन द होल, 3, 2, 1। लगाया गया RDX आग पकड़ लेता है और रॉकेट लॉन्चर के होल का सफाया हो जाता है। 3, 2, 1। छटता है, सामने सिर्फ एक बड़ा गड्ढा नजर आता है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद अमेरिकी सेना ने इस तरह के तरीकों से दुश्मन के लगभग 6 लाख टन गोला बारूद को नष्ट किया था। 2, 1। मैं रॉन पिट्स, अगली बार फिर मिलेंगे डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स में। स्क्रू दिस, let's look at the fandom. Yeah, there's an Argentina where the truck with the lemons goes down onto the traffic light. The avalanche destroys a can during the hurricane. The cameraman gets saved and is too far away. The 4 crew members has a big swing and goes down in the water. They are arrested by zombie-fied penguin. The massive avalanche. The snow rider crashes and gets been stuck and goes down and has serious injury. The Caterham race car, 2 cars were injured. 1 black one was destroyed. The red one is alive. This one is the white jump truck, which is destroying, causing fire and towing loss. The aircraft lands too fast because it does a heavy land and by hitting a car ends taken to the hospital. And finally a truck, the black one hits the bridge and hits the white car and is totally destroyed.
That was $10,000. One of the truck drivers is taken to the hospital. Now let's see a space and time, long edition or short edition. If you want, check down and down below in the comments. Thank you.
That was a good choice. Now I'm gonna feel through next week's get 29 when one person died with his heart exploded. Two dirt car crashes, several race car crashes, the ATV accident, the plane without a pilot hits the fan by crushing the lady. We'll see you next time for Jose's Round of Special Vehicles. Thank you.